हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा का ओटीटी रिलीज डेट से बड़ा अपडेट आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों, दिसंबर मंथ में ही आपको देखने को मिलेगा विक्रम वेदा ओटीटी पे। तो कब रिलीज होगी ओटीटी पे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऋतिक रोशन के डाई हार्ट फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे ही ऋतिक रोशन की फिल्मों की अपडेट जानने के लिए। दोस्तों, विक्रम वेदा एक शानदार फिल्म था और रीमेक होने के बावजूद भी विक्रम वेदा ने अच्छा कलेक्शन किया था। आपको बता दूं दोस्तों, फैंस को फिल्म काफ़ी पसंद भी आया था और अब दोस्तों फैंस काफ़ी एक्साइटेड है फिल्म को ओटीटी पे देखने के लिए। बताते चले दोस्तों, फिल्म पहले 25 नवंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होने वाला था, लेकिन दोस्तों 25 नवंबर को फिल्म रिलीज नहीं हुआ जियो सिनेमा पर। बताते चले दोस्तों, फिल्म विक्रम वेदा का प्रोड्यूसर रिलायंस एंटरटेनमेंट था और रिलायंस एंटरटेनमेंट का दो ओटीटी चैनल है, जिसमें से एक है जियो सिनेमा और दूसरा है वूट सेलेक्ट। और दोस्तों एक टीवी चैनल है जिसका नाम है कलर्स। बताते चले दोस्तों, जियो सिनेमा पे फ्री में मूवी आता है, बस आपको ऐड देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों वूट सेलेक्ट का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और दोस्तों, आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि विक्रम वेदा वूट सेलेक्ट पर रिलीज होगा पहले, उसके बाद दोस्तों टीवी पर रिलीज होगा। साथ ही साथ दोस्तों, विक्रम वेदा अब जियो सिनेमा पर रिलीज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर जियो सिनेमा पर रिलीज होने वाला होता तो 25 नवंबर को ही फिल्म रिलीज हो जाती जियो सिनेमा पे, लेकिन दोस्तों 25 नवंबर को फिल्म रिलीज नहीं हुई जियो सिनेमा पे। बात करें दोस्तों फिल्म के रिलीज के बारे में, तो आपको मैं बता दूँ, अब फिल्म वूट सेलेक्ट पे पहले देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वूट सेलेक्ट पे पहले फिल्म आ जाएगा और वो भी दोस्तों 16 दिसंबर के अराउंड फिल्म आएगा वूट सेलेक्ट पे। बिल्कुल दोस्तों, 16 दिसंबर के अराउंड वूट सेलेक्ट पे देखने को मिलेगा विक्रम वेदा। और उसके बाद दोस्तों कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होगा विक्रम वेदा। तो गाइज रेडी हो जाओ, फिल्म आने वाला है ओटीटी पे। फिलहाल दोस्तों, आपने फिल्म को थिएटर में देखा था या ओटीटी का वेट कर रहे हो, लिखकर जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। और आगे ऐसी ही फिल्मों की अपडेट या ऋतिक रोशन की फिल्मों की अपडेट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।